शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये सांझ का समय है। मैं देख रही हूं कि यहाँ किसान जो ट्रॉली है उनमें एसी लगाए हुए हैं, किसी में मुझे कूलर दिखा, किसी में तिरपाल ढक्के और मच्छरदानी लगा के पूरी व्यवस्था कर ली है। और ये आप पूरा शंभू बॉर्डर पर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि गर्मी से बचने के लिए किसानों ने तगड़ी काट यहां पर कर ली है। हर ट्रॉली पर आपको नजर आएंगे तिरपाल ढके हुए, लंगर वैसे ही आपको दिखेगा 24 घंटे। गर्मी है तो हर तरीके के फ्रूट यहां पर आपको नजर आएंगे। हाँ, ताऊ मेरे साथ है, ताऊ तरबूज खा रहे हैं, केले तरबूज खान संगत दे जाते छकते हैं, फिर है संगत सिखाने हरेक फड़ाने खाओ भाई। तो ये सारा खाना फल सभी गाँव से आ जाते हैं, दे जाते संगत आपे, कोई कुछ दे जाता, कोई कुछ देता, सब्जियां भी सारिया लोग देके जाते, हरेक चीज भाई जो देके जाते, बाबा नानक भेजता सानू, असि बनाने बस सिखाने। तो पूरा खा पी के पूरा ऐसा तगड़ा मन बना लिया कि कितने ही महीने बैठना पड़े बैठ के जाए। दसा नहीं गा 100 दिन, 100 अज 100 दिन हो ना, 100 साल भी बैठा गे, पर साडे प्रधान ने दसा जे भंडेर साहब ने भी चाहे 100 साल भी बैठना पै जाए ता भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिल च नहीं आओ नाराजगी भी नहीं, खुश रहेंगे, पर मंगा मना के जावांगे जद गवर्नमेंट मनू जद जावांगे। तो ताऊ ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ हरियाणा के किसान भी होते तो माहौल एक अलग ही होता, तो क्योंकि लोग बाग ये सवाल कर रहे हैं कि पंजाब के किसान नेता हैं, पंजाब के बाशिंदे ज्यादा हैं। नहीं, हरियाणा भी बहुत है, हरियाणा इधर नु आउन नहीं दंदे, जे फिर भी बहुत आउंदा अच्छे पासे जी, लंगर लाया हरियाणा दा दफ्तर है, हरियाणा आउंदा उधर अपना, उधर हरियाणा च करदे ने ओ, फिर भी नाले इन्नी तंगी करदे ने फिर भी करदे ने ओ, हरियाणा नाल है, सारे नाल ने सूबे, हुण तुहानू पता ही है मोदी नु सारे सूबियां च फिर भी मिले विरोध करदे ने, पंजाब तो असि आने नहीं देंगे, हम कल पटियाले आना नहीं, हम तो आने देना, बोले नहीं देना। तो ये पंजाब में भी नेताओं का विरोध कर रहे हैं ना, सवाल पूछे जाए ना, दसो भाई बोलता ही नहीं, कोई खड़ता ही नहीं बराबर। तो वहाँ जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल भी कर रहे हैं, पूछे जाए 2 साल गए किन्ने पैदे करे थी, बीजेपी वालों से भी पूछ रहे हैं, बीजेपी ने तो जमा ही पूछना ना, आम वाले भी पूछते हैं 2 साल हो किन्ने पैदे करे थे की दिता सानू, तो अब लग रहा है कि आएगा दोबारा मोदी राज या फिर हम ये कहे बीजेपी का राज, नहीं वो नहीं आएगा, हुन नहीं आएगा। किसानों का विरोध देख के कह रहे हो? हाँ, किसानों का विरोध सारे असर होया है सारे सूबे च धरने का, एदा तो जैसे ये मैं देख रही थी आगे जाके जी भाई सत्ता से बाहर। अच्छा, ऐसा बना चुका पंजाब मन, पंजाब मन बना चुका है भी अब की बार सत्ता से बाहर। यहाँ पे बड़े बड़े मुझे ये नजर आ रहे हैं पतीले सारे, मैं कहूँ कि लंगर का सारी व्यवस्था सारी पूरी व्यवस्था है लंगर की, कोई अच्छे संगत इतनी आई है, बड़े बड़े देखे ना सरना थी, हाँ फिर छोटे ना थोड़ा सरदा, हमारे साथ हमारे हरियाणा के भाई भी हमारे साथ में है, ये भाई हरियाणा के भी हमारे साथ में है, हाँ जी पूरा हमारे को सहयोग दे रहे हैं, हमारे साथ में चलते हैं, हमारे को खाना पीना जो भी चाहिए हमारे को यहाँ भी लेके दे देते हैं, हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। तरबूज और इस तरह का फल जो है ये पूरा गांव से लेकर आए? नहीं, जहाँ लोग दे जाते हैं ये आस पास में लोग आते हैं वो हमारे को देके जाते हैं, केले भी दे जाते हैं, फ्रूट भी देके जाते हैं, खाने की कोई व्यवस्था है, बिल्कुल ओके है। तो भाई खेती बाड़ी रोजगार वो किस तरह से हो रहा है, आप यहाँ बैठे हैं तो सब काम चल रहे हैं, सब हो रहा है, काम भी हो रहा है, यहाँ भी ड्यूटी जरूरी है, खेत में भी जरूरी है। हरियाणा से आप? साथ में है, बॉर्डर पे। अच्छा, बॉर्डर पे ही है, तो ये अम्बाला ही पड़ता होगा आपका क्षेत्र तो? हाँ, अम्बाला ही पड़ता है, अम्बाला के साथ में पिंड है। अच्छा, किसानों के विरोध का कुछ इम्पैक्ट सुन रहे हैं आप यहाँ? बिल्कुल पड़ेगा सर, बाकी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा कितने बने हुए। गर्मी से तो पूरी काट निकाली भाई आप लोगों ने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गर्मी की, हमारे को कौन सी गर्मी लगती है, नहीं लगती है हमारे को, पखे लगे हैं, एसी लग रहे हैं, देखो ट्रलियों में कोई कूलर नहीं होता है, उधर में तो चलता है, जब गेहूं की कटाई होती है कितनी गर्मी होती है, उधर कौन सा कूलर पखा होता है, ये किसान है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी पड़ जाए ना, कोई उसे पखा ना कोई कूलर खेत जा कम करते हैं, साडा मन बन जाता ओ जी पूरा, सानू कोई गर्मी कोई नहीं लगती, कोई खाई नहीं, कोई मच्छर नहीं लड़ता साडे। तो ताऊ आप यहाँ पे हो, घर का काम ताई संभाल रही है की? आप यहाँ पे हो, घर का काम हमारी ताई जी संभाल रही हैं? ताई भी संभाल दिया, मुंडे है। अच्छा। नौहान है मुंडे ने आपके सामने ने। ताई ने तो बोल रखा है भी दाना जीत के आना तब आना, ऐसे करने आना। हाँ,
हाँ ताई कहते हैं जीत के आना तो मैंने नहीं आना काम असि आप सामभागे फोन पे भी बातचीत करके मतलब ऐसी सारी समस्या का समाधान कर बच्चे बच्चे कहते तू कोई परवाह नहीं पापा तू अपना उत्थे रह मोर्चा जित साडी जमीन बचा तू काम का ना फिक्र कर असि आपे करांगे इस समय सांझ के समय आप देख रहे हैं आशंभू बॉर्डर की तस्वीर है यहाँ पे जैसे लंगर बनता जाता है तो हम यहाँ देख रहे हैं किसान अपना लंगर लेते हैं और फिर इस तरह से इन लोगों की दिनचर्या शुरू होती है दिनचर्या के बारे में बताएं ताऊ जी जैसे सुबह उठते हैं क्या क्या करते हैं किस किस तरह से आपका दिन रहता 4:30 बजे उठी दा चाह बनाई दी संगत चार नाल दे रस मुकद नहीं रस 9 बजे सही रस हाँ रस बिस्कुट कुछ भी खान नु चाह बनाई दी ओते बाद प्रशादा पिंडो बन के आ जाता दाल सब्जी अस इथे बना देनी संगत नु 9 बजे शुरू कर दी फिर लंगर छकाना सारा दिन चलूगा नहीं पे बंद करना अच्छा घर पे रोटी पानी सब्जी वगैरह कभी बनाई घर में तो कोई नहीं बनाई है घर का बनावा घर यहाँ बनाते हो घर बनाने वाले है यहाँ तो बनाना ही पैदा फिर अपने हाथ का स्वाद अच्छा होता है ना इसलिए यहाँ पे बनाते प्याज पूज कटाई देने मिर्चा मुर्चा बनाता चल दूसरा बंदा साडे को है हो लंगर हो रहा अपन बनाने पर प्याज कटी देने लसन छिली नाल मदद करी दी है तो घर पे ताई को बताते होंगे वो तो ऐसे मजाक नहीं करती होंगी क्यों करूंगी उन्हें पता नहीं करके ही खाना पैना उ तो फिर ताई तो इतने रह नहीं सकती हाले जंगल जहा ना है नहीं तो ताइया भी रहना औखा थोड़ा ताइया औखा रहना उरे क्यों बार बूर का औखा पा जान का नहीं तो हूं अज कि आईया ने पर फिर भी है अज उरे हले हो बहुत तो मान लें कि किसानों का विरोध बीजेपी पे भारी पड़ेगा बहुत बहुत सारे सूबे च कि कले पंजाब या हरियाणा सारे सूबे का असर पैना उन्हू यूपी च बहुत पैना ऐसी कोई गल भी नहीं असर पूरा पैना बीजेपी नु आपसे भी हम बात करेंगे आप इतने मतलब ये कहें कि पूरा मन बना के आए हैं कि कितना ही समय हो जाए डटे रहेंगे यहाँ पे हाँ पूरे मन की बात है सो मन के साथ ही बैठे हुए हैं इतने टाइम से गर्मी आ गई सर्दी आ गई सब जगह ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहीं से भाग रहे हैं और ताऊ घर की खेती बाड़ी वो किस तरह से चल रही है खेती बाड़ी हटे गए बच्चे वो करन गए और सानू तो मजबूरी नाना पैंदा जो सरकार सुननी ठीक हो वादे करके सरकार मुकर गई है तो अस की कर सकते दसो मोदी साहब ने मारे रूल नहीं बनाया होर साडे मंगा ओ नहीं मनिया होर की कर सकते सानू मजबूरी बस पाउणा पिया वा वोट वाडा लन जाओगे ताऊ जी नहीं नहीं जी नहीं डालन जाओ वोट क्यों डालन जावांगे मोदी के खिलाफ अच्छा हां जी मोदी के खिलाफ डालांगे दूसरे नु आम आदमी पार्टी का किस तरह का रुझान है आम पार्टी का मतलब पंजाब च खत्म ही है तो फिर विकल्प क्या है बीजेपी आम आदमी पार्टी और क्या है जो हरी सरकार को सुन नहीं रही अहीं जड़ी हरी सरकार सुनूंगी अहीं उधर नाल जावांगे तो ये जो है शंभू बॉर्डर पर आपसे हम जो है आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं किस तरह से किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया